हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोग कैसे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज मैं खीरे का पकोड़ा बनाने जा रही हूँ और करी बरी बनाऊँगी। तो बड़ी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। इस बेसन में मैं सबसे पहले डाली हूँ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी गार्लिक हरी मिर्च को भी ग्राइंड किए थे वो भी डाले हैं, और नमक डाले हैं स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, इसको डालकर फेंट लिए हैं। हाथों से ही फेंटे हैं मैंने, और फेंट कर देखिए हाथों से मैं बना रही हूँ। तो इसको मैं बना लूँगी और मैं एक कहानी भी आप सभी को बताने वाली हूँ अपनी कहानी। तो आप लोग सुनने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखने के लिए, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात है जो पहले टाइम में मिलता था और उसी का यूज किया जाता था, उसको मैं इस ज़माने में लेकर आई हूँ और इस ज़माने में मैं उसको यूज की हूँ। तो मैं आप सभी को वही चीज़ दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने किया। 4 दिन लाइट नहीं था और इस 4 दिन के अंदर में मैंने कैसे मैनेज किया। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके घरों में भी वो चीज़ को, उसको भी आप लोग रखिएगा सुरक्षित, जैसे कि मैंने रखा। ये देखिए, इधर मैं साइड में, एक साइड में बड़ी को बना रही थी और दूसरे साइड हल्दी पाउडर जो था उसको मैं तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको तड़के के लिए तैयार की थी, और फिर उसमें थोड़ी सी मेथी डाली थी। ये देखिए, ये है खीरा जिसको मैं काट छील कर काट कर रखी हुई थी। सुबह में खाए थे सलाद में, लेकिन थोड़ा सा बच गया था तो उसका मैं सोची कि चलो आज खीरे का पकौड़ा बनाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है खाने में। तो वैसे तो जैसे लौकी की लगती है, उससे कहीं ज़्यादा वेस्ट ये मुझे लगा खीरे का पकौड़ा। ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, ये जो मैं बड़ी बना रही, इधर हल्दी पाउडर जो मैं डाली थी वो पक रहा है। हल्दी को सबसे पहले पकाना ज़रूरी होता है कि कढ़ी में हल्दी कच्चा रह जाता है तो वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, आज तो मैं करी बरी बनाने आई, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हैं, दही नहीं है। बिना दही का बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोपहर के लंच का टाइम का है ये, मैं लंच बना रही हूँ तो इसलिए मैं सोची कि आप सभी को भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको खट्टा करती हूँ और कैसे बना रही हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, अगर ना रहे दही तो ऐसे बना लें इस कढ़ी को, काफ़ी स्वादिष्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बड़ी बना ली और फिर पकौड़ा भी बनाना स्टार्ट की हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसन बच गया था तो उसी में मैं सोची चलो आलू का और खीरे का भी पकौड़े बना लेते हैं। मिर्ची का भी बनाती थी मैं, लेकिन अभी मिर्ची वैसा नहीं है पकौड़े लायक, इसलिए मिर्ची का नहीं बना रही हूँ। और ये जो है हल्दी पक चुका और गार्लिक हरी मिर्च को जो है ग्राइंड की थी मैं, तो उसको भी इसमें डाल देती हूँ। डालकर थोड़ा अच्छे से इसको भी पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हल्दी पाउडर और जो हरी मिर्च गार्लिक है उसको पका रहे हैं, उसके साथ साथ मैं एक टमाटर भी डाल दी इसमें पकने के लिए और काट कर, और एक छोटा सा आम का अचार भी मैं डाली हूँ इसमें, वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और खट्टापन आ ही जाएगा इस कढ़ी में। बहुत स्वादिष्ट बनाई थी मैं, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, ट्राई करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ना अच्छा लगे तो फिर डिसलाइक करके जा सकते हैं। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप सभी को ये आइडिया मेरा, और बहुत ही अच्छा ये टिप्स है जो मैं आप सभी को बताई। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए, एक साइड मतलब मैं दोनों साइड कढ़ाई चढ़ाई हूँ ताकि मेरा समय बर्बाद ना हो, जल्दी से जल्दी ये लंच तैयार हो जाए। तो
तो ये देखिए, ये पकौड़ा भी बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। बड़ी भी बना ली मैं, और करी की पर ध्यान देते हैं फिर जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सारा कुछ पक चुका है, और उसके बाद मैं जो बेसन बचा हुआ था उसमें घोल बना करके पानी डाली और पतला करके फिर उसमें डालकर पका देते हैं। तो आप सभी बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैं आप सभी के लिए म्यूजिक लगा रही हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी तैयार हो चुका है, चावल भी तैयार हो चुका, और मैं आप सभी को दिखाई थी बड़ी कितना सॉफ्ट हुआ था, पकौड़े भी काफ़ी टेस्टी हो गए। और चलते हैं खाने फ्रेंड्स, खाना तो रेडी हो चुका, और आप सभी को भी खाना है तो आ जाइए फ्रेंड्स, खाते हैं और टेस्टी टेस्टी खाना। ये रहा खीरे के पकौड़ा और आलू का पकौड़ा, इसको हम तीखी चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। और मेरा खाना लंच तैयार हो चुका फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं खाने। और किस किस को हमारा वीडियो पसंद आया आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए रात हो गई, और रात के टाइम में मैं आप सभी को दिखा रही हूँ क्या मैं अभी कैसे मैं मैनेज की हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट नहीं था, थोड़ा उजाला था, उसी में मैं खाना भी बना ली थी। और ये जो लाइट है, एक मोमबत्ती का लाइट कितना कम होता है फ्रेंड्स, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए, ये है पुराने ज़माने की लैंटर्न, जिसको हम पहले हमारे दादाजी नानी जी ये लोग सभी यूज करते थे, मम्मी पापा लोग, जब लाइट नहीं होता था गाँव में या फिर कहीं भी लाइट नहीं होता था तो इसका यूज करते थे। आज मैं भी यूज की, और फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट।